बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम। इमरान ख़ान साहब के लिए आज एक और बुरा दिन। इमरान ख़ान साहब की साइफर केस में जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुसरद कर दी गई है और ख़ान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। इससे पहले ख़ान साहब ने ये जो दरख्वास्त ज़मानत जो साइफर केस की स्पेशल एक्ट के तहत खसूसी अदालत है वो सुन रही थी, उसमें ख़ान साहब ने यह ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी जिसे मुसरद कर दिया गया था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको दायर किया गया और इसका फैसला 16 अक्टूबर को महफूज किया गया था और आज 27 अक्टूबर को तकरीबन 11 दिनों बाद यह महफूज फैसला सुनाया गया है जिसमें खान साहब की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। इससे पहले खान साहब ने दरख्वास्त की थी कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था। इस ट्रायल को रोकने के लिए जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था। तो खान साहब के लिए पाकिस्तान की अदालतों में कोई इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, डीजी आईएसआई नदीम अंजम साहब और फैसल नसीर साहब मौजूद हैं तब तक इमरान ख़ान साहब को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। खान साहब भूल जाएं इंसाफ को। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी यही कहा है कि हमारा काम है अदालतों में आना, अपने भाई को प्रोटेक्ट करना और भाई को बचाना, लेकिन हमें अब अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिले। ये लंदन प्लान नहीं है, ये लंदन एग्रीमेंट है। इस हवाले से अलीमा खान ने बताया कि मेरी जब खान साहब से 24 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये लंदन प्लान नहीं है बल्कि लंदन एग्रीमेंट पर अमल दरामद होगा, जिसका पहला हिस्सा ये है कि इमरान खान ने इलेक्शन के दौरान जेल में होना है, इमरान खान को फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा और ना ही इमरान खान साहब की पार्टी को फ्री हैंड दिया जाएगा। अब अलीमा ख़ान ने कहा है कि बिल्कुल उसी तरह उस पर अमल हो रहा है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हमें अदालतों से तो इंसाफ मिलना नहीं है तो हम लिहाजा जेल में जाकर बैठ जाएँ खान साहब के साथ ताकि उन्हें हौसला तो मिले। तो ये जी सूरत हाल है। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतज़ार पंजूता साहब, उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसको देखकर भी हमें झटका लगा है, जिसमें जो खान साहब की ज़मानत मुस्तरद करने का लॉजिक पेश किया गया वो ये कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट और सेक्रेटरी ने रूल्स बनाए हैं वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा हैं, उनकी अहमियत ज़्यादा है, लिहाजा वज़ीर आज़म को उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमर फारूक के सामने कुछ भी अहमियत नहीं रखते, लिहाजा कैबिनेट ज़्यादा इख्तियार वाली है, जो वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी है उसके ज़्यादा इख्तियारात हैं, वज़ीर आज़म जो है वो बेबस है। तो ये जी फैसला है जिसको अब तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान किया है, तहरीरी हुक्मनामा उनको मिल गया है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन अभी तक तो नहीं, लेकिन तहरीके इंसाफ के वकला ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अब ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इम्तहान है कि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की तरह डिलेइंग प्रैक्टिस करते हैं या फिर वो दबंग हैं, आइन के मुताबिक काम करेंगे, इस पर समाअत करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अब फैसला जो है, पहले सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने फैसला दिया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। देखते हैं खान साहब को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मेरी जो अदना सी राय है एक तालिब इल्म होते हुए के खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिलना, क्योंकि हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है जब ज़ियाउल हक़ साहब मौजूद रहे तब तक पीपल्स पार्टी पर दरवाज़े बंद रहे, किसी किस्म का रिलीफ पीपल्स पार्टी को नहीं मिला, और फिर जब मुशरफ साहब आए तो नून लीग को कोई रिलीफ नहीं मिला, बेनज़ीर के साथ डील होगी वो वापस आ गई लेकिन नवाज शरीफ साहब के तैयारे को वापस भिजवा दिया गया था। तो फिर बाजवा साहब और रहील शरीफ थे तो मियाँ साहब के रस्ते जो हैं वो हमवार नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब ने आकर इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की है तो इनको रिलीफ मिला है। तो इमरान खान को कैसे मुमकिन है कि आसिम मुनीर साहब से कोई रिलीफ मिल जाए या कोई डील मिल जाए? तो अकल वालों के लिए इशारे काफ़ी हैं, लिहाजा खान साहब को पीटीआई के कारकुनान और जो आवाम है, जो उनके वोटर एंड सपोर्टरान हैं, वो खान साहब को कम अज़ कम 5-7 साल के लिए भूल जाएँ कि खान साहब बाहर नहीं आ रहे। आज की वीडियो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह।